अज जिहड़े खाती अकाली ने बादल दलिए ने मैं समझदा भी इन्हां नूं जो सुध बुध है वह भुल चुकी है। कावले हो चुके ने, राज लैण लई तड़फदे ने, मैं कहूंगा बावले हो चुके ने। किते तां गंगा की रिहाई मंगी जांदे ने, किते गुरु घर दे विच चिट्टे बूटा ते काले रंग की पॉलिस फेरी जांदे ने। अज मैं एक सोशल मीडिया से एक इंटरव्यू देख रहा सा भी जिथे बादलों का एक वजीर आंदा है भी जो डी जी पी सैनी नूं डी जी पी लाउणा साडी गलती सी, असी भाजपा के कहते सब कुछ किया। जो एल के यादव वाली सीट है उसने जो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल अते डी जी पी सैनी सारियां नूं जो इंटेरोगेट कर लिया, पुछगिछ कर लिया, तो फिर जो कोटकपूरे वाला केस है उस वे चलान पेश करने देरी क्यों हो रही है। बैरल कलां वाली नौ निहाल सिंह वाली सीट है उसने जो सुखबीर सिंह बादल की पुछगिछ कर रही है कर ली है, तो उस तो बाद हम जोड़े होर दोषी रह गए हैं उन्होंने पुछगिछ क्यों नहीं हो रही। हिंदुस्तानी संविधान का आर्टिकल 14 उसके अधीन भी जो सारे जो हिंदुस्तान वसते ने कानून के अगे बराबर ने, तो फिर जे आम आदमी पार्टी के मंत्री की गिरफ्तारी पै सकती है, कांग्रेस के मंत्रियों की गिरफ्तारी पै सकती है, तो फिर जी पुलिस है उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन सैक्शन 41 के अधीन 302-307 उन्होंने को पूरे हक ने, कोई रोक टोक नहीं किसी बंदे को गिरफ्तार कर दिया। इन्हों जो बादलों की गिरफ्तारी क्यों नहीं पै रही, इन्हों आम आदमी पार्टी वालों ये चीज़ याद रखनी चाहिए है भी जो इन्हों तख्तों पर बिठाया इन्हों पगों वाल ने बिठाया, गैर सिखा ने यूपी बिहार के भइया ने इतने आके या चर्च वाल ने थानू वोटा नहीं पाया, इस सिखा दिया पाइया वोटा ने तो हलीमी विच विचर के इतने शमूलीयत कर। सब तो पहला मैं धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाउणा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी विच इत्थे संगतां विच बैठ के मैनू एक इतिहासक किस्सा याद आया। भाई अकाली निहंग भाई रतन सिंह जी भंगू इस इतिहासक किस्से बारे 1810-20 दे लागे लिखते ने। भाई साहब जी फरमाते ने भी जदों बाबर गुरु नानक देव महाराज जी नू मिलन आया तो बाबर ने आपदे दोनों हाथ बन के बेनती की भी गुरु साहब मैनू हिंदुस्तान की बादशाही बख्शो, तो गुरु साहब ने फरमाया भी असी तैनू हिंदुस्तान की बादशाही बख्श दिने, पर बाबर एक गल याद रखी भी ये बादशाही तेरे कोल उदों तक रहेगी जदों तक तेरा राज हलीमी होवेगा, जदों तक तू साडे ते कोई तशद्दुद नहीं करदा। तो अगो बाबर आंदा भी गुरु महाराज मैं गुरु घर दीआं अजमतां नूं जाणदा, गुरु घर कदे भी किसी नूं कोई चीज बख्श के वापस नहीं लैंदे। तो गुरु नानक देव महाराज फरमाउंदे भी बाबर असी तेरे तों जिहड़ी इह बादशाही है एवें वापस नहीं लैणी, असी सिर दे के सिर कटा के तेरे तों इह बादशाही वापस लवांगे। तो उस तों बाद तुसीं सारे जाणदे ही हो भी गुरु अर्जन देव महाराज जी जी की शहीदी हुई, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी हुई, साहबजादियां दीआं शहीदियां होईआं ते अनेकां सिंघां दीआं शहीदियां होईआं, ते उस तों बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो तुरकां दी मुगलां दी जो जड़ सी उह हिंदुस्तान विचों पुट दित्ती, ते इत्थे गुरु नानक देव महाराज जी की जो उन्होंने वचन किए सी उन उसते पहरा दिंदे होए जो सिख कौम ने पंथ ने जिहड़ा आ बादल दल है जिसनों पंजाब का जो तख्त बख्शिया सी, इत्थे बहबल कलां विखे दो सिंघां ने शहीदी दित्ती ते ओ जो तख्ती तो उन्हां नूं लाया। अज जिहड़े खाती अकाली ने बादल दलिए ने
मैं समझता भी इन्हों जो शुद्ध बुद्ध है वह भुल चुकी है, कमले हो चुके ने, राज लैन लई तड़फदे ने, मैं कहूंगा बावले हो चुके ने, किते तां गंगा की रिहाई मंगी जांदे ने, किते गुरु घर दे विच चिट्टे बूटा ते काले रंग की पॉलिश फेरी जांदे ने, राज लई सब कुछ करी जांदे ने, पर अज कोई इन्हां दा सहाई नहीं हो रहा, कितों कोई सहारा नहीं मिल रहा। अज मैं एक सोशल मीडिया से एक इंटरव्यू देख रहा सा भी जिथे बादलों का एक वजीर आंदा है भी जो डी जी पी सैनी नू डी जी पी लाउणा साडी गलती सी, असी भाजपा के कहते सब कुछ किया, पर यह उन्होंने ये सोझी उन्होंने उदों नहीं आई भी जदों ये राज विच सी हकूमत विच सी, ते अज इन्हां दा कोई सहारा नहीं बन रहा। ते इत्थे मैं आम आदमी पार्टी वालियां नू भी आना भी जे तुसी अज जे इन्हां सिंघां दा इंसाफ कौम नू दे दिंदे हो, जे तुसी 295 आई पी सी नू सोध के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी का जिहड़ा सजा उसनू फांसी कर दिंदे हो, जे तुसी बेअदबियां की जो इंसाफ है वह दे दिंदे हो, तो कौम समझ लवेगी भी तुसी कौम के हक में जो हाँ का नारा मारिया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थोड़ी जड़ी जड़ है रख लैणगे मलेरकोटलियां वांगू, नहीं तो थोड़ा जिहड़ा खुरा खोज है पंजाब विचों मिट जाना। तो इत्थे होर गल मैं कहना चाहना भी जे आप केस का जो स्टेटस देखिए तो फिलहाल जो एल के यादव वाली सिट है उसने जो प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल और डी जी पी सैनी सारों जो इंटेरोगेट कर लिया पुछगिछ कर लिया, तो फिर जो कोटकपूरे वाला केस है उस में चलान पेश करने को देरी क्यों हो रही है भी जिमें एक अंग्रेजी की कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, भी यहोजा फिर बेअ इंसाफ देन का फायदा ही की। तो जो बहबल कलां वाली नौ निहाल सिंह वाली सिट है उसने जो सुखबीर सिंह बादल की पुछगिछ कर रही है कर ली है, तो उस तो बाद हम जिहड़े होर दोषी रह गए ने उन्हां दी पुछगिछ क्यों नहीं हो रही, भी जो हिंदुस्तानी संविधान का आर्टिकल 14 उसके अधीन भी जो सारे जो हिंदुस्तान विच वसदे ने उह कानून दे अगे बराबर ने, तो फिर जे आम आदमी पार्टी के मंत्री की गिरफ्तारी पै सकती है कांग्रेस के मंत्रियों की गिरफ्तारी पै सकती है, तो फिर जिहड़ी पुलिस है उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन सैक्शन 41 के अधीन 302-307 पूरे हक ने, कोई रोक टोक नहीं किसी बंदे नूं गिरफ्तार करन दी, तां इन्हां जो बादलों की गिरफ्तारी क्यों नहीं पै रही। तो मैं इत्थे आम आदमी पार्टी के लीडरां नूं एक होर नसीहत देना चाहना भी एक दो तरीका हो चुकिया ने भी कोई भी उच्च अहुदे वाला भी कोई मंत्री पद वाला कोई इन्हों का कोई नुमाइंदा इतने आ नहीं रहा, जे इन्हों के स्पीकर विदेश यात्रा से गए ने तो इन्हों का फर्ज बनता भी होर किसी आपके मंत्री इतने भेजन, तो जो कि इतने संगतों में शमूलियत कर, इन्हों आम आदमी पार्टी वाले ये चीज़ याद रखनी चाहिए है भी जो इन्हों तख्तों पर बिठाया इन्हां पग्गां वालियां ने बिठाया, गैर सिखां ने यूपी बिहार के भाइयां ने इत्थे आके जां चर्च वालियां ने तुहानूं वोटां नहीं पाउणियां, इह सिखां दियां पाईआं वोटां ने, तां हलीमी विच विचर के इत्थे शमूलियत करन, इहो मेरीआं संगतां दे अग्गे बेनतीआं ने, इहो आंदा होइआ मैं तुहाडे सारिआं तों इजाजत चाहांगा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।